मोर गैंग, आज जो हॉरर गेम हम लोग खेलने जा रहे हैं ना, वो बहुत पॉपुलर हो रखा है इन दिनों में। मेरे को एक गेम 2 महीने से खेलना था, लेकिन यार टाइम नहीं मिल रहा था क्योंकि मैंने और भी बहुत ही मजेदार गेम खेले थे। तो आज का गेम है दैट्स नॉट माय नेबर। ये बहुत ही जबरदस्त हॉरर गेम है। इसका बेसिक स्टोरी ये है कि हम लोग एक सिक्योरिटी गार्ड है और हम लोग को डॉपलगैंगर पकड़ने हैं। डॉपलगैंगर यानी बहुरूपिया भाई। यहाँ पे कोई अपनी आइडेंटिटी बदल बदल के आ सकता है, तो हम लोग उसको पकड़ना है। ये बहुत मजेदार होने वाला है। लेट्स गो। ओके, तो ये है डॉपलगैंगर डिटेक्शन डिपार्टमेंट DDD। द फॉलोइंग शॉर्ट फिल्म इज अ प्रोडक्शन ऑफ DDD विद एजुकेशनल पर। ओ माय गॉड, यहां पे देखो एलियंस आ रखे हैं। अच्छा, इफ यू वाचिंग दिस फिल्म, तो हम लोगों ने, अगर तुम लोग ये देख रहे हो तो इसका मतलब हम लोगों ने तुम्हें एक नया डोरमैन अपॉइंट किया है। तुम्हारा जॉब है कि तुम्हें डॉपलगैंगर पकड़ने हैं इस बिल्डिंग के अंदर में जो आ रहे हैं उनमें से। As everyone knows, डॉपलगैंगर have the ability to transform into another person and impersonate them. वो impersonate कर सकते हैं। तो कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं impersonation में, लेकिन कुछ लोग थोड़ा खराब तरीके से करते हैं, जैसा हम लोग को इमेज में दिख रहा है। तो हम लोग को ध्यान रखना है और नेबर्स के अपीयरेंस को भी ध्यान में रख के डॉपलगैंगर को पकड़ना है। हमारे पास चेकलिस्ट होगा, हमें उसे फिल आउट करना है। हम लोग कोई भी डिटेल्स मिस नहीं कर सकते, नहीं तो फिर नेबर्स की मौत हो सकती है और हमारी भी हो सकती है। और ये रहा स्ट्रक्चर जिसमें हम लोग बैठे रहेंगे, जो हमारा रूम है। तो ओके, हमें एक्सप्लेन किया जा रहा है, सब कुछ अच्छे से देखेंगे हम लोग। तो ये रहा सिक्योरिटी विंडो। डोंट फॉरगेट टू ऑब्जर्व वेरी वेल Each individual who approaches, ठीक है, हम लोग ध्यान से देखेंगे। ये गेम बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए इसको पूरा देखना। तुम लोगों को भी ये खेलने में बहुत मजा आएगा, मतलब अभी देखते देखते भी तुम लोग खेल सकते हो, देखना। तो यहाँ पर ये डोर को ऑन या ऑफ करने का स्विच है कि उसे जाने देना है तो ऑन करो, बंद करना तो ऑफ करो। और यहाँ पर एक इमरजेंसी बटन है, अगर हमें डॉपलगैंगर मिल गया तो उसे दबाओ और 3312 पे कॉल करो। याद रखना नंबर 3312। ओके, अगर मैंने पकड़ने में गलती की तो तुम लोग बताना कि मैंने कौन सी डिटेल मिस करी है। तो यहाँ पे हम लोग DDD डिपार्टमेंट से इस फोन पे बात कर सकते हैं, जिसमें हमें 3312 दबाना है। ओके, एवरीथिंग इज सेट। इंस्ट्रक्शन हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। और ये रहा हमारा सिक्योरिटी विंडो। और ये रहा बंदा, वेलकम एंड कॉन्ग्रेचुलेट ऑन योर न्यू जॉब। ओके, ये DDD का वही बातें कर रहा है कि तुम्हें ध्यान देना है। अच्छा, ये है लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल हु विल रिक्वेस्ट एंट्री टू द बिल्डिंग। अच्छा, ये आज के दिन में बस यही बंदे आएंगे, 7 बंदे, तो हम लोग को इन लोग को ही एंट्री देनी है, बाकी किसी को नहीं देनी। ठीक है यार, मैं समझ गया। हमें उसकी ID चेक करनी है, हमें उसका सब कुछ चेक करना है, और जो जो आज चेक लिस्ट में है हमें उनको ही अंदर जाने देना है। तो ये पहली औरत आ गई। हेलो, गुड डे मैडम, हम है सिक्योरिटी गार्ड। ओके, हम बहुत ही रिस्पेक्टफुली पेश आएंगे मैम से। तो मैम, आप चेकलिस्ट में हैं? ये देखिए, आज मैम चेकलिस्ट में हैं। ओके, तो इन्होंने हमें डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, 2 डॉक्यूमेंट। ये इनकी ID है, रॉफ्ट्रिन कैपिच्यून। ओके गाइस, चेक करना है हमें कि सब कुछ सही होना चाहिए। और देखो, मेरे फेस कैम के पीछे छुपा हुआ था, आज का डेट है 10 फरवरी 1955। बस यही तुम लोगों को ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि अगर ID एक्सपायर हो गई तो, ये अभी देखो ID की एक्सपायरी है 1962 तक, तो ये ID वैलिड है। बस ये भी हमें ध्यान देना है। और यहाँ पे इसका एंट्री रिक्वेस्ट है, ये F0304 में रहती है अपार्टमेंट। ठीक है, तो F0304 यहाँ पर ये रही ये लड़की। तो शी इज अ हाउसवाइफ, लॉन्ग फेस, बिग नोज, स्ट्रेट हेयर, वेयर्स अ हेड बैंड। ओके, सब कुछ ठीक लग रहा है मेरे को तो। हेड बैंड भी है, ये भी है, बड़े बड़े होंठ भी है। ठीक है, इसका ID नंबर भी चेक कर लेते हैं, 5685545। भाई ये नंबर याद करना पड़ेगा क्या? 96329, यहाँ पे भी क्या 96329 है। ओके, सब कुछ सही लग रहा है यार मेरे को तो। गाइज, तुम लोग को कुछ गड़बड़ लग रहा है कहीं से भी? मेरे को तो सब सही लग रहा है। ओके, तो यहाँ पे चेकलिस्ट है, इसमें ID मेरे को सही लग रहा है, अपीयरेंस सही लग रहा है यार। एंट्री रिक्वेस्ट और टुडे लिस्ट में भी है। ओके, एक्सेलेंट, तो आप जा सकते हैं मैडम। ओके, पहला बंदा हम लोगों ने जाने दिया। अरे यार, सब सही है यार, मतलब अभी हम लोग पकड़ लेंगे, कोई टेंशन है ही नहीं। और ये दूसरा बंदा, ओए, अबे इसको बंद भी करना पड़ता, दूसरा बंदा चला गया। ओ शिट, वो था क्या डोपल? ओ माय गॉड, ये डोपलगैंगर था कि नहीं पता भी नहीं है। और अभी इसको चेक करना पड़ेगा, डोपलगैंगर है क्या? इसका नाम है मार्गरेट बबल, F0203 में रहती है। आई लिव इन द 3rd apartment ऑन द 2nd floor। ठीक है, इसकी आईडी नहीं है मैम। ओ, आईडी दे दी, ये बोले मैं भूल गई थी देना, प्लीज ले लीजिए। मार्गरेट बबल 14590 इसका लास्ट का नंबर। और ये भी ठीक लग रहा है, ये सब कुछ ठीक ही लग रहा है मेरे को तो।
ये आज की लिस्ट में भी है F0203, तो F0203 यहाँ पर हम लोग चेक भी कर लेते हैं मैम के बारे में। तो ये 14590 भी ठीक लग रहा है। ओके, इसका लेफ्ट आई डेविएटेड है तो ठीक ही है, ये वाला आंख ठीक है, मेरे को तो सही लग रहा है। मैम आप जा सकते हैं। ओके मैम भी गई। ओ इसको बंद भी करना है भाई, इसको बंद करना होता है यार। वो मैंने चेकलिस्ट नहीं भरा, चेकलिस्ट भरना था क्या? सबमिट टिक मार्क। चलो कोई नहीं, नेबर तो थी ना। गुड आफ्टरनून मैम, आपका एंट्री रिक्वेस्ट नहीं है। एंट्री रिक्वेस्ट आप देना भूल गई। यस एंट्री रिक्वेस्ट दीजिए। आई लॉस्ट इट। ओ वाओ, मैंने खो दिया, बहुत ही अच्छी बात है। तो और आप आज की लिस्ट में भी नहीं है। ये वाली लड़की अलग दिखती है आपसे काफ़ी हद तक, तो आप आज की लिस्ट में नहीं हो मैडम। मैम यू आर नॉट ऑन द टुडेज लिस्ट। हाँ आप नहीं हो, क्या हो रहा है? There must be a mistake. I should be on the list. नहीं है भाई, look at the list again. अरे भाई कहाँ है, कौन सी वाली? नहीं है भाई। हेलो, गड़बड़ है भाई, बहुत बड़ी गड़बड़। डोपल गेंगर मिल गया हमें, अपना पहला डोपल गेंगर। अपियरेंस भी गलत है आपकी। ओ माई गॉड, ओ मैंने तो ऐसे बोला, मैंने तो ऐसे ही डाल दिया। दे आर परफेक्ट साइज, आई डोंट सी एनी इश्यूज। ओके इसकी आंखें गलत है क्या? एक बार हम लोग अपने लिस्ट में देखते हैं। पहली बात तो ये कौन से अपार्टमेंट में रहती है, इसने बोला ही नहीं है, क्योंकि एंट्री लिस्ट हम लोग को यहाँ पे दी नहीं है, उसमें लिखा हुआ होता है। तो इसका नाम मिया स्टोन है, 25115। तो मेरे को ढूंढना पड़ेगा कि ये मिया स्टोन कहाँ रहती है। एक बार देख लेते हैं, हो सकता है कि ये हो। ओके ये क्या है, दो लोग सेम है। ओके बाद में पता चल जाएगा। मिया स्टोन रहती है क्या इस बिल्डिंग में? मिया स्टोन, वेयर आर यू मिया स्टोन? ये रही मिया स्टोन, रहती तो है। इसका आईडी नंबर है 25115। 25115 यार, इसमें गड़बड़ तो है इस लड़की में। तो सी हैज फ्रिकल्स, ओवल फेस, थिन आईब्रो, स्मॉल राउंड नोज और लॉन्ग हेयर। और इसकी आंखें देखो, छोटी बड़ी तो है। क्या करें यार, क्या करें ऐसे सिचुएशन में, क्या करें? ये टीचर है, आंखें अलग, आईब्रो यहाँ पे आईब्रो नहीं है शायद, ये देखो। और देखो बाल भी थोड़े बड़े हो गए हैं, तो ये डोपल गैंगर लग रहा है। लेट्स कॉल द पुलिस। तो अच्छा, हम लोगों ने एमरजेंसी बटन दबाया। कॉल दबाने के लिए हमें 3312। तो हो गया। डी, हेलो, फोन उठाओ जल्दी, एक डोपल गैंगर पकड़ा है मैंने। यू हैव कॉन्टेक्टेड द डी, यस, अ ग्रुप ऑफ एजेंट हैज बीन सेंट टू योर बिल्डिंग। ओके हमारे बिल्डिंग में एजेंट्स आ रहे हैं, प्लीज क्लीनिंग प्रोटोकॉल का वेट करें। आ गया लगता क्लीनिंग प्रोटोकॉल। और क्या उठा के ले गए उसे? ओके उठा लिया, बहुत ही बढ़िया, क्लीनिंग प्रोटोकॉल कंप्लीटेड। वाओ, यू कैन कंटिन्यू जॉब? यस आई विल। अरे मैं बहुत बड़ा सिक्योरिटी गार्ड हूँ भाई। गाइस तुम लोगों को क्या लग रहा था, वो लड़की ठीक थी या खराब थी, मेरे को बताओ। और लाइक वाइक मारो यार प्लीज। ये गेम बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, मजा आ रहा है मेरे को। तो ये बंदा इतनी बड़ी नाक लेके आया है हमारे पास, ये बंदा आज की लिस्ट में नहीं है सर। आप आज की लिस्ट में नहीं हो, बताइए इसका कारण क्या है, क्या है इसका कारण? आई थिंक देयर इज एन एरर, आई शुड बी ऑन द लिस्ट। सर आप नहीं हो, लुक एट द लिस्ट अगेन। भाई सब लोग मेरे को ये बात क्यों बोलते हैं, क्या मेरे को अंधा दिख रहा है तुम लोग? ओ नहीं, अच्छा ठीक है, हो जाता है यार, हो जाता है, ऐसा मत देखो यार। ठीक है सर, है सर, है सर, है लिस्ट में है F0102। तो F0102 ठीक है, सब कुछ ठीक है। रॉबर्ट्स की पिचमैन, सर की आईडी भी देख लेते हैं। रॉबर्ट्स की पिचमैन लास्ट में 89730 और ये 73 तक है, सब कुछ अभी हम चेक कर लेते हैं। पहले आपका क्या बताया था आपने, F0102, तो यहाँ पर ये रहा 89730, यही था ना 89730114652221. ठीक है ये भी ठीक लग रहा है। लॉन्ग नेक विदाउट आईब्रो, बिग नोज, हैव ए गोटी, इनके पास एक गोटी है, एक ही गोटी है क्या? हाँ वैसे दो होता है लेकिन ठीक है। और सब कुछ सही लग रहा है क्या यार? मेरे को तो सही लग रहा है यार, ये तो डोपल गैंगर नहीं होना चाहिए। देखो हम लोग को नेबर्स को जाने देना चाहिए, लेकिन एक बार इनके अपीयरेंस पे क्वेश्चन करें क्या, क्या बोलते हैं? अपीयरेंस तो ठीक ही लग रहा है मेरे को वैसे तो। आई लुक एज हैंडसम एज एवर। ओके तो फिर इसी बात पे मैं आपको जाने देता हूँ, लेट्स गो, जाइए बिल्कुल जाइए, कोई टेंशन नहीं है भाई। नेक्स्ट इसको दबा के दो भाई। ओके
हेलो मैडम, तो आपकी आईडी, आपने आईडी नहीं दी मुझे, आईडी दीजिए। ओ दे दिया, ठीक है। आपका नाम है सलीन सेवच, ओके, बहुत ही अजीब नाम है, 269514, ओके 1980, अभी मैं चेक कर लूँगा। आप रहती है F0104 में, सेलीन स्विच जो भी है। आई एम रेसिडेंट ऑफ द बिल्डिंग, माय अपार्टमेंट फोर्थ फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, ठीक है, फर्स्ट के फोर्थ में। ओ अच्छा, ये रही वो ट्विन, ये दो जैसी दिखने वाली, सी हैज अ ट्विन, यस यस, ये ट्विन सिस्टर्स है। तो इनका मुंह, अच्छा इनका देखो डिफरेंस, देखो मोल ऑन द लेफ्ट, मोल ऑन द राइट। तो सलीन के मोल यहाँ होना चाहिए, हम लोग के पास सलीन आई है ना, तो उसका नाम तो एलेनॉइस था, इसका नाम सलीन है, तो सलीन के यहीं पे मोल है। ओके ये है तो सलीन ही। तो बाकी चीज़ें भी देख लेते हैं। आईडी नंबर है 269514, लास्ट में सलीन का ये रहा 269514, ठीक ही लग रहा है। आप आज की लिस्ट में तो है क्या? आज की लिस्ट में आप नहीं हैं। इस तरीके से हम लोग डोपलगैंगर को पकड़ते हैं। तो आईडी तो हो गया, तो अभी हम लोग आपको पूछते हैं कि आप टुडेज लिस्ट में क्यों नहीं हैं। आई एम नॉट ऑन द टुडेज लिस्ट बिकॉज़ आई हैव टू लीव ड्यू टू एन एमरजेंसी वर्क की वजह से इनको जल्दी से जाना पड़ा था, तो इन्होंने नाम एंट्री कराना भूल गए। गड़बड़ है, थोड़ा गड़बड़ है, क्या करें, जाने दे या नहीं जाने दे। एंट्री रिक्वेस्ट पे क्वेश्चन करें क्या? वैसे तो एंट्री रिक्वेस्ट तो दिया है मैम ने, मेरे को भी यही लगता है कि आपके एंट्री रिक्वेस्ट में तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है आप जा सकते हैं, ओके। मेरे को लगता है आप नेबर ही है। देखो मैं लोगों को हरास नहीं करता हूँ, आई एम ए गुड पर्सन, मैं सब कुछ जाने देता हूँ। नेक्स्ट बंदा आइए प्लीज। ओ रुक जाइए, आप खतरनाक लग रही है मेरे को हर तरीके से। ओ माय गॉड, ठीक है, इनके यहाँ पे मोल है, ये ध्यान रखना पड़ेगा हमें। तो मैडम, ओ मैडम ने कुछ भी नहीं दिया। मैडम आपकी आईडी कहाँ है? भूल गई। अच्छा तो आपने एंट्री रिक्वेस्ट भी भूल गई होगी इस तरीके से, तो है ना एंट्री रिक्वेस्ट। ओ आप जब सब कुछ ही भूल गई हैं तो हमारे पास आई क्यों है आप? F0201 में रहती है, ग्लोरिया स्मिक्स इनका नाम है, ये बैंकर है। वाओ, थोड़े बहुत पैसे हमारे अकाउंट में भी डाल दीजिए मैडम। ग्लोरिया स्मिक्स 3411501974, ठीक है। तो यहाँ पर चेक करें, ये रही मैडम 3411150। तुम लोग को गाइस कुछ गड़बड़ लग रहा है, मोल ऑन द राइट चीक, ओके यहाँ पर मोल होना चाहिए, तो मैडम के यहीं पर मोल है। भाई मेरे को लग रहा है कि यार कोई ना कोई डोपल गैंगर तो है यार, इतनी देर हो गया। डोबल शॉर्ट हेयर, इसका भी शॉर्ट हेयर है, ये भी बैंकर ही है, ग्लोरिया स्मिक्स इसका नाम है, सब कुछ तो ठीक ही लग रहा है यार। ओ मैम टुडेज लिस्ट में है, टुडेज लिस्ट में भी है, यहाँ पे भी चिक पे है। यार ये तो एकदम परफेक्ट लग रही है मेरे को। मैम आप जा सकते हैं, यू आर अ परफेक्ट लेडी, सॉरी फॉर डाउटिंग यू, आपके आते ही मैंने आप पे डाउट किया था, आप जा सकती है मैडम, यू आर ए गुड गर्ल। यस भाई डोपल गैंगर ना आ गया, वो अच्छा दरवाजा बंद कर दो। नेक्स्ट, ओ ये क्या हुआ, ऐसा लग रहा है नींद में आई है मैम। तो मैम आप लिस्ट में हो, आपका नाम है अनास्चा मिकाले, ओके ठीक है, आपने आईडी नहीं दी मैडम, आईडी, ओके फॉरगॉट, सब लोग भूल जाते हैं यार, मेरे पास आके आईडी क्यों भूल जाते हैं। तो अनास्का मिकाली आपका नाम है 34462, पहले हम चेक करेंगे आपका 34462 है कि नहीं। F0204 में रहती हैं आप, ये रहा, ओके ये वाली 34462, सब कुछ ठीक लग रहा है मेरे को तो। 1985, ये तो बच्ची है। अनास्का मिकाली स्कूल गर्ल है, ठीक है, आज की लिस्ट में भी है मैम, तो ठीक है। मेरे को तो कोई भी गड़बड़ दिख ही नहीं रहा है भाई। अनास्टेशिया मिकाली, इसका स्पेलिंग ANASTACHA, हाँ ANASTACHA, भाई सब कुछ सही लग रहा है यार। मैम आप जा सकती हैं, बस एक क्वेश्चन पूछ लो क्या कोई सा भी, चलो अपीयरेंस पे पूछ लेते हैं। व्हाट्स रॉन्ग विद माय अपीयरेंस? भाई आपकी आंखें बहुत खराब हो रखी है, एवरीथिंग इज इन ऑर्डर विद माय अपीयरेंस, वैसे तो ठीक ही है। गुस्सा हो गई मैडम, चलिए आप जाइए, मेरे को लगता है आप सही आदमी हैं। बाय बाय बाय, निकलिए। नेक्स्ट आओ भाई, इतना बड़बड़ नहीं। ओ ओ ओ गड़बड़ है भाई। इस बंदे को हम लोगों ने जाने दिया था, याद है ना, ये रहा बड्डी नाक वाला। सर आप तो देखने में ही मेरे को, ओ वाओ, इनकी फोटोग्राफ देखो, और इनका नाम है पीच 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 प
सर मजा आ गया सर, आपको पीच से इतना प्यार है तो शक्ल भी पीच का लेके आ जाते सर। सर आपकी आईडी मैच नहीं हो रही है सर। पी 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 देखो डोपल गैंगर के साथ एलियंस के साथ थोड़ा मजा मारने में मजा आता है। ये देखो पीच 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 पीच। ओके सर सब कुछ पीच है आपके लिए, तो आपके लिए तो फिर अलार्म बजा देना चाहिए हमें, है ना सर। तो अभी हम लोग थ्री में कॉल करते हैं, थ्री में कॉल करते हैं, वन में और टू में, और इसी के साथ डी 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 डिपार्टमेंट प्लीज आ जाइए। एकदम फ्रेश फ्रेश डबल गैंगर पकड़ा है हम लोगों ने। यस यू हैव कॉन्टेक्टेड स्किप। आ गए सर, पकड़ लिया उसे, बहुत बढ़िया, यू कैन कंटिन्यू जॉब। या अभी तक हम लोगों ने एक भी डबल गैंगर को शायद जाने नहीं दिया है, आई डोंट नो। देखिए ओ ओ ओ ओ मिल्क मैन आया है, मिल्क मैन। तो क्या आज की लिस्ट में है ये रहा, लेकिन आपने टोपी पहनी और इस फोटो में टोपी नहीं है। F0302 भाई मिल्कमैन बिल्डिंग में रह रहा है। आई एम अ रेसिडेंट, आई कम हियर फ्रॉम माय जॉब एज अ मिल्कमैन। ओके F0302 फ्रांसिस मोसेस इनका नाम है, फ्रांसिस मोसेस 1964, एवरीथिंग इज गुड। 18995 आप बिल्डिंग नंबर बताए थे F0302 यहाँ पर 18995 लॉन्ग नोज चिन वियर्स अ हैट, ठीक है ये टोपी पहनते हैं। तो अगर मैं इनसे कोई क्वेश्चन करना चाहूँ अपीयरेंस पे करते हैं, आपकी आंखें इतनी खराब क्यों हैं? आपकी आंखें लुक केयरफुल एट द फोटो इन द पेपर्स कंपेयर देम वेल विथ मी। वैसे तो आपकी आंखें फोटो में भी वैसी ही है, ये देखिए इतनी भद्दी आंखें। तो मेरे को तो ये सही लग रहे हैं सच बताऊँ तो। फ्रांसिस मोसेस 18995 सब कुछ चेक कर लिया है, फ्रांसिस मोसेस 18995 आई थिंक यू आर गुड टू गो, अब जा सकते हैं, आपके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए नेक्स्ट आइए जल्दी जल्दी, नो टाइम नो टाइम। ओ ये कौन से अंकल जी आ गए, वाओ अंकल जी तो रिच लग रहे हैं, रिच अंकल जी लिस्ट में भी है। टोपी इनका टोपी का डिफरेंस है, ठीक है यहाँ पर देखते हैं, ठीक है 1960 ओके कैपुचिनो, इनका नाम है कैपुचिन, ठीक है 96347 कैपुचिन F0304 यहाँ पर, ठीक है ये टोपी पहनते हैं, वियर्स अ हैट लिखा हुआ है, यूज अ मोनोक्लोव ओके, प्रोमिनेंट मुस्टैच, राउंड फेस, बिग नोज, लॉयर। तो इनके में लॉयर लिखा हुआ है क्या यहाँ पे, यहाँ पे लिखा तो नहीं है कि काम क्या करते हैं। तो इनकी नाक ऐसी है क्या या कुछ गड़बड़ है, अपीयरेंस पे क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा, देखते क्या बोलते हैं। माय हेड यस आई जस्ट स्लेप्ट बैडली लास्ट नाइट ओके, ठीक है इनकी आईडी तो ठीक ही लग रही है मेरे को, 96347 था क्या, ओ अच्छा मैंने गलत बोला ओके सर सर मेरी गलती है सर, आप जा सकते हैं सर, यू आर गुड टू गो बाय बाय, आप जा सकते हैं ओके नेक्स्ट प्लीज। अभी तक हम लोगों ने डोपलगैंगर, ये डोपलगैंगर था, देखिए हमें समरी बताएगा कि कितना डोपलगैंगर हम लोगों ने दो पकड़वाए, नेबर एक भी नहीं मारा और हम लोगों ने एक डोपलगैंगर जाने दिया। अच्छा तो यहाँ पे हम लोग डिटेल्स भी देख सकते हैं, डिटेल्स दिखाओ भाई। तो ये रहा एल्फ जो रॉन्ग हेड, ये लास्ट वाला इसका नाम ही तो एल्फ था, ये अपना सर छुपा रहा था, तो यार टोपी पहनता है इसमें लिखा हुआ था ना। अभी मैं समझ गया हूँ गाइस, अभी एक भी डोपलगैंगर मेरे हाथ से नहीं जाएगा। गेम बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आ रहा है ना, लाइक सब्सक्राइब करो यार। ओ ओके आज की लिस्ट में है क्या ये बंदा, ये एल्फ इसका यार अब टोपी पहन रखा था, मैं उसको कैसे बोलता टोपी उतार यार, अब इतनी छोटी छोटी चीज के लिए। एक मिनट मेरे को कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, जिंदगी का क्या मीनिंग है, द यूनिवर्स एंड एवरीथिंग एल्स, ये कह रहा है जिंदगी का क्या अर्थ है गाइस, जिंदगी का अर्थ है यूट्यूबर बनना, यूट्यूबर बनो जिंदगी का अर्थ निकालो, दैट्स इनकरेक्ट, तुम्हें क्या पता बाय बाय ठीक है बहुत ही गलत आंसर था, ठीक है। ओ ये आ गया फिर से टोपी पहन के, तेरे को तो मैं पहले ही निकाल दूंगा, अब रुक तेरी आईडी नहीं है, आईडी निकाल। ये बोला मैं अपना आईडी दिखाना भूल गया था भाई, ये इसका हेड, तू टोपी निकाल के दिखा मेरे को, टोपी निकाल, ये पिछली बार भी मेरे को फंसा के गया, व्हाट्स रॉन्ग विद माय पेरेंट्स, तेरा टोपी निकाल, एवरीथिंग इज इन ऑर्डर विद माय पेरेंट्स। इसकी नाक छोटी लग रही है मेरे को,
ओ इतनी है क्या इसकी नाक? टोपी पहना है नहीं पहना है? अच्छा यहाँ पे देखो, आई कम फ्रॉम माई जॉब एज अ लॉयर, यहाँ पर लिखा हुआ है लॉयर। पिछली बार जब ये आया था तब इसके में लॉयर लिखा हुआ नहीं था। F0304 देखो यहाँ पर लॉयर, याद है हम लोगों ने ये बात बोली थी। तो यार क्या करे, अब जाने दूं कि नहीं दूं, इसकी वजह से मैं फंस गया था। जा मैं नहीं जाने देगा तेरे को, तूने पिछली बार भी मरवाया, इस बार मैं तेरे को नहीं जाने देगा। ले जाओ इसको, ले जाओ ले जाओ, आई डोंट नीड हिम, पिछली बार इसकी वजह से आ रहे थे, निकाल दो इसको। यस यू हैव कॉन्टेक्टेड, बाय बाय। क्या निकाल दिया उसको? यस बहुत बढ़िया। और ये नेक्स्ट बंदी आ गई है, ये पहले भी आई थी। ओके एवलाइज आज की लिस्ट में आप हैं 6 लोग में से। वो बंदा भी था लेकिन उस पर क्या थोड़ा सा गुस्सा था, मैं उसको निकाल दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। ये मॉडल है F0104 यहाँ पर। ओ दो, अच्छा ये वही है क्या? ओके इस बार इसका नाम है एलनॉइस। अब ट्विन सिस्टर आ गई, एलनॉइस 14956 14956 ये रहा एलनॉइस। यहाँ पर इनके मोल है क्या? यहाँ पर इनके मोल है। नंबर भी ठीक ही लग रहा है। मैम आपकी आईडी सब कुछ सही लग रही है वैसे तो। एंट्री रिक्वेस्ट में कुछ प्रॉब्लम अगर आप बता सके? आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम। या मेरे को भी कोई प्रॉब्लम लगी नहीं है, बस मैं ऐसी क्या थोड़ी मस्तीखोरी कर लेता। बाय बाय, अब जा सकती है मैम, यू आर अ गुड गर्ल। पिछली बार भी हम लोगों ने एकदम सही किया था, बस ये टोपी वाले के चक्कर में प्रॉब्लम हो गई यार। ओ ओ वाओ, और यहाँ पे ट्रॉफी बना हुआ आ जाता है कि एलियन दिखती, मतलब इतना सामने सामने एलियन। वाओ सर को 42 नंबर से बड़ा प्यार है। 1+1 इसका आंसर देखो 42 होता है क्या? मेरे ख्याल से 42 ही होना चाहिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 36 हो गया ये, फिर 37 38 44 42। सर यू आर अ 42 गाय, यू आर अ 420 गाय। सर आप लिस्ट में, सर आप किसी चीज़ में नहीं है सर। क्वेश्चन करें तो 42, अगर हमें पेरेंट्स के पूछे तो 42, ये और ये भी पूछे तो 42, एवरीथिंग इज 42, सो आई एम बुलाएंगे 42। अगर मैं 42 नंबर पे कॉल करूँ तो क्या होगा? चलो 42 नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, वापस से फ़ोन करना पड़ेगा। 3 3 1 2 सर आ जाइए सर, एकदम फ्रेश फ्रेश माल पकड़ लिया हम लोगों ने। यस सर पकड़ लिया उसको, बहुत ही बढ़िया। अभी तक हम लोगों ने 2 लोगों को पकड़वा दिया, वो टोपी वाले अंकल जिससे बदला लेना था, और दूसरा 42। चलो 42 गया, अभी नया लाया जो है हमारे दरबार में। कौन आ रहा है नेक्स्ट? लंबी नाक। ओके इतनी लंबी नाक, सर नाक टपक रही है आपकी। सर आपने आईडी नहीं दी सर। आईडी मैं फॉरगॉट हो गया। ठीक है सर, आप फॉरगॉट ही दिखे। 59684 आप लिस्ट में है। यस F0101 में है आप। ठीक है ये रहा। ओके अकाउंटेंट है सर। 59684 ठीक है, नंबर ठीक लग रहा है। ओके ये पब्लिक अकाउंटेंट भी है। रोमन स्टिलिंग काय। ठीक है भाई जो भी है यार, अभी और क्या चेक करें। अच्छा इनके चिन पे ये यहाँ पर, हाँ ठीक है बाल। अच्छा टोपी, हाँ ये टोपी पहनते हैं क्या? यहाँ पर लिखा वियर्स है। यार ये टोपी वालों से ना बड़ा प्रॉब्लम है यार मेरी जिंदगी में। टोपी नहीं है यार, टोपी निकालो यार, एक बार टोपी निकाल के सर दिखा दो मेरे को प्लीज। यार तू तो जैसा दिखता है, टोपी निकाल देना यार एक बार। एंट्री रिक्वेस्ट भी तेरा एक बार चेक कर लेते हैं। टोपी वालों में बड़ा दिक्कत है जिंदगी में। आप टुडे लिस्ट में है कि नहीं है यार? आपका सर एकदम सही होना चाहिए। लुक एट द लिस्ट, आप जा सकते हैं यार, मेरे को आप पे कोई प्रॉब्लम लग नहीं रही है वैसे। ठीक है ले लो, देखे जरा नेक्स्ट आ जाइए। ओह वाओ हेलो मैडम, आप लिस्ट में है? वाओ ये तो बड़ी अजीब बात है। लुइस टिंकलाई, ओह इनकी बीवी आई है लगता है। ओके एक ही घर में रहते हैं दोनों। ये देखो बिग लिप्स मोल ऑन द लेफ्ट चीक। आपके अभी अभी पति गए हैं, आप ही के पति गए हैं मैडम। ये देखिए आपका चीक पे यहाँ पे है। ठीक है 23651 क्या यहाँ पे 23651 1969। ठीक है और स्ट्रिंगली एम द रेसिडेंट एम आई परमानेंट फर्स्ट फ्लोर। ओके सब कुछ ठीक ही लग रहा है मैडम का तो। टोपी भी सही है, नाक
भी निकली हुई है। गाइस क्या लगता है तुम लोगों को, ये डॉपलगैंगर है, ये उनकी ही वाइफ है? आई थिंक एवरीथिंग इज फाइन, मेरे को कोई गड़बड़ लग नहीं रही। एक बार कोई चीज में क्वेश्चन करके देखिए क्या आईडी पे। यस आई डोंट सी, हां मेरे को भी इससे तो कोई प्रॉब्लम दिखी नहीं है। मतलब थोड़ा सा क्या है, मस्ती खोरी करने में मजा आता है मेरे को। अपीयरेंस, आपने आंखें क्यों ढक रखी है? आंखों में लेजर लाइज है आपके? ठीक है आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, आप जाइए अपने पति के साथ आराम से, कोई टेंशन नहीं है। लेट्स गो, गेट बंद कर देते हैं, अभी हम लोग फिर भूल जाएंगे। और सर आ गए। सर आप क्या लिस्ट में है? आप लिस्ट में है। गुड आफ्टरनून, मॉर्निंग से आफ्टरनून हो गया है। एल्बर्ट स्काई पीचमैन, ये पीचमैन आया है, ठीक है। ये है शू मेकर, रेसिडेंट ऑफ द बिल्डिंग। ओके ओके, 1974 F0102 हैज अ मस्टैश, लॉन्ग फेस। यहाँ पे 986354 सब कुछ ठीक लग रहा है, ठीक है। अभी तक कोई डॉपल गैंगर, ओ एक सेकेंड, इनकी आंखों में कुछ बात है क्या? अच्छा ये तो वो आईडी हो गया है, और यहाँ पर थोड़ा सा अपीयरेंस में लोचा है क्या शायद? सर आपके अपीयरेंस कैसा है आपके हिसाब से? एवरीथिंग इज ऑर्डर गाइस, तुम लोगों को कैसा लग रहा है अपीयरेंस? मेरे को तो ठीक ही लग रहा है। सर आप जाइए, मेरे को आप में कोई प्रॉब्लम ऐसे तो लगा ही नहीं है। अभी कोई डॉपल गैंगर आएगा तो उसको पकड़ते हैं। वो हो याद है, यहाँ पर वो नहीं है, दाग नहीं है सर। सर पहले तो आपका एंट्री रिक्वेस्ट नहीं है। ओ इज इट नेसेसरी द एंट्री रिक्वेस्ट? यस वी आर नेबर्स, यू नो मी। नहीं मैं नहीं जानता आपको। I don't need an entry request to get to my home. भाई तेरे को entry request देनी होगी। ये बोल रहा हूँ, मैंने तुम्हारा answer कर दिया question का। भाई entry request नहीं है, तुम्हारा appearance गलत है। तेरे यहाँ पे वो नहीं है। भाई तेरे यहाँ पे cut mark नहीं है। ID में भी इसके cut mark नहीं है। ये guys doppelganger है। Doppelganger detected. 3312. पकड़ लो इसको। Hello, doppelganger. लेके जाओ, फ्रेश माल आया है दोबारा से। यस स्किप, हाँ हाँ ओके ओके, बहुत बढ़िया। आई एम कंटिन्यूइंग। अभी तक लगता कोई डॉपल गैंगर गया नहीं है हमारे हाथों से। अरे हम लोग मास्टर है भाई। और आओ, नेक्स्ट आओ। ओ मैडम, ओके एंट्री रिक्वेस्ट नहीं दी आपने। एंट्री रिक्वेस्ट ओके, मैं भूल गई थी। ठीक है तो आपका नाम है आज की लिस्ट में, आप है रफटलाइन कैपुचिन। भाई कैपुचिनो बहुत आ रही है यार। F304 कैपुचिनो है यहाँ पे। और लॉन्ग फेस, बिग नोज, स्ट्रेट हेयर, वेयर्स अ हेडबैंड। ओके सब कुछ सही है। 96329, तो 96329 1962, सब कुछ ठीक है मैडम का। बिल्डिंग है, रेसिडेंट है, सब कुछ ठीक है। हाउस वाइफ है, यहाँ पे हाउस वाइफ लिखा तो नहीं है, रेसिडेंट लिखा है खाली। तो आई थिंक मैडम क्लीन है, मेरे को तो यही लग रहा है। एक बार अपीयरेंस देख लेते हैं। यहाँ पे दोनों बाली और हेडबैंड एंड कटिंग एंड सब कुछ ठीक है वैसे तो आपका। यहाँ पे अगर मैं अपीयरेंस पे क्वेश्चन करूँ तो आपकी होंठ इतने बड़े क्यों है? अच्छा ठीक है यार, मैडम आप जाइए। सॉरी, इतना गंदा जोक मारने के लिए आई एम सो सॉरी। आप जा सकते हैं नेक्स्ट। वो ओके, इसके कपड़े पहले वाले के कपड़े कैसे थे? ओके ये तो सेम चीजें हो रही है। फोर्थ फ्लोर थर्ड F0304 बोल रही है ये, तो यहीं पर ये है। ओके मैंने गलत औरत को जाने दिया क्या? गड़बड़ हो गया भाई, शिट। ओके 96329 भाई एकदम सेम नंबर यार। ओ भाई साहब गड़बड़ हो गई है। कौन सी डॉपल गैंगर थी ये? है वो थी। ओके अभी क्या करूं, इसको क्या क्वेश्चन पूछूं मैं? मेरे को तो सब सही लग रहा है इसका भी। अपीयरेंस गड़बड़ है आपका, आपका अपीयरेंस गड़बड़ है। ये तो सेम आंसर दे रही है। भाई पकड़ो इनको, भाई पकड़ो। क्या पता पहली वाली डॉपलगैंगर थी या फिर ये थी, देखते हैं। डॉपलगैंगर डिटेक्टेड। यस
क्या वो डॉपलगेंगर थी? पहले तो मेरे को ये भी बता देना, कहीं पहली वाली तो नहीं थी? अभी मेरी मौत हो जाएगी यहाँ पे। क्या गड़बड़ हुआ है? क्या गड़बड़ हुआ? नहीं हुआ। ओके, गेम खत्म। देखें जीते की हारे क्या हुआ। हम लोगों ने 3 डॉपलगेंगर पकड़े, एक नेबर को मार दिया। अच्छा, वो एल्फ जो था लगता वो नेबर था। डॉपलगेंगर हम लोगों ने एक भी अलाउ नहीं किया और हम लोग को ए रैंक मिला है। और वो एल्फ को जो जिससे हम लोगों ने पहले बदला लिया था वो इस बार सही आदमी था। लेकिन जो भी हो गाइस, बहुत सही गेम था। अगर इसका पार्ट 2 चाहिए, इसका एक नाइटमेयर मोड भी आ गया है। अगर तुम लोगों को वो देखना है तो इस वीडियो को फैलाओ, लाइक शेयर करो, तब तक हमारी न्यू वीडियो आ जाएगी। तब तक जाके तुम लोग लास्ट वीडियो जाके देख सकते हो। तो चलो हम लोग मिलते हैं इन वीडियोस में, तब तक हमारी न्यू वीडियो आ जाएगी। टिल देन बाय बाय।